चलो चलो तफरी करती थी तो ना वीडियो बन जाएगा क्या हो गया। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, स्वागत है हमारे इस न्यू व्लॉग में। तो अभी हम लोग चंडीगढ़ में ही हैं, अब हम लोग बिहार नहीं पहुँचे हैं। हम लोग वहाँ से निकल गए थे सारा सामान लेके और फिर यहाँ पे आ गए थे, और बस हम लोग यहाँ से रेडी होंगे खाना पीना। मम्मी बना रही है अभी, तो खाना पीना लेंगे, रेडी होंगे, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। तो यहाँ पर मम्मी किचन में लगी पड़ी हैं, यहाँ पर बन रहा है पूड़ी, आलू भरा हुआ और चावल बन चुका है, दाल चढ़ने वाला है। तो अभी टाइम हो चुके हैं 7 o'clock और हमें 8 बजे तक निकलना है। सो अभी जा रही हूँ मैं नहाने, रेडी हो जाती हूँ फिर निकलते हैं। हे फैमिली, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, बाकी मम्मी का पार्टन हो चुका है, दाल चावल सब्जी और अभी दही चीनी। खा लीजिए थोड़ा सा दही चीनी, चोट लग गया ना। गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है न्यू ब्लॉग में आप सभी का। फिलहाल ये देख सकते हैं हम रेडी हैं और निकलने वाले हैं बिहार के लिए, सब कुछ छोड़ के यहाँ से। और बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ था, आप लोग क्यों जा रहे हैं छोड़ के। फिलहाल सब कुछ रेडी है, कार हमारी रेडी है, सब कुछ हमने पैक टू कल ही कर लिया था, आपने कल वाले ब्लॉग में देखा होगा। अब यहाँ से निकलने की बारी है, लेकिन जब जरूरत होता है तब नहीं खाता। चलो बाय बाय करो। हाँ। जब तबीयत खराब ना हो तो खाली मीठी गोली खिला दिया करो। हाँ। और जब जरूरत हो तो दवाई मिक्स करके खिला दिया करो, वो दवाई खिलाने की आदत डाल। चलो चलो पानी बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, साथ लेके घूमते हैं, घर में बंद नहीं करते, बच्चे की तरह मानते हैं, बच्चे की तरह गोदी में लेके घूमते रहते हैं, अपने चिप्स खा जाते हैं। गांधी जी के ये से निकलने की बारी है, यहाँ से निकलते हैं। अप्रोक्स टाइम कितने हो गए हैं, टाइम हो रहे हैं 8:29, लगभग तो मानो कि 9 बज जाएंगे यहाँ से निकलते निकलते। और देखते हैं आज हमारा फर्स्ट स्टॉप है ना, वो कहाँ होता है। तो निकलते हैं, आई होप हमारी जर्नी बहुत अच्छी होगी, आप लोग भी बेस्ट विशेस करो, हैप्पी जर्नी। चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो यहाँ पे बैठ चुके हैं, यहाँ पे मम्मी हमारी रो रही है। ना वीडियो बन जाएगा खराब वाला। अरे तो मम्मी को यही छोड़ देते, मम्मी तू इधर ही रुक जा, रुक जा। मम्मी ना रुक सकले या ना जा सकले ये वाला बात मम्मी के जगह लाना होकर होकर प्लान कर बेटा के पास तंगा, बेटे के पास तंगा, उन्हें भाभी से मिल गया ले मम्मी तो उन्हें रोए लग गई। कोई बात नहीं, मैं बड़ा सा फार्म हाउस बनाऊंगी ना, तो सबको एक ही जगह रखूं, ठीक है? सब लड़ने के लिए छोटा छोटी चले, खेत ही रहना है बोल दो। चलो चलो टाइम 8:30 फैमिली। तो हम लोग हैं अभी मेरी फेडरल एक्सप्रेस वे पे और थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पानी किया हमने कार में चलते चलते। बाकी शिवांश भी अभी सो चुका है और मॉर्निंग से ट्रैवलिंग करते करते अभी टाइम कितना हो रहा है, एक बजने वाला। कितने बजे निकले थे हम लोग? 9 बजे 9 बजे हम लोग निकले थे और अभी 1 बज चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़े थे और थोड़ी दूरी पे आके यहाँ पे रुके हैं, बस थोड़ा सा घूम फिर लेते हैं फिर चलेंगे। शिवू नीचे नहीं उतरते, धूप है, पैर जल जाएगा, इसका चप्पल भी नहीं लाया, नीचे नहीं उतरना। ठीक है, लंबे ट्रैवल का शुरुआत हमारा हो चुका था, हम लोग चंडीगढ़ से बिहार के लिए जा रहे थे। लगभग 1500 किलोमीटर का हमारा ड्राइव है, जिसमें हमें टोटल 2 दिन लगेंगे क्योंकि 1 दिन हम स्टे करके चलेंगे। बट एक बैड न्यूज़ है कि वहाँ से रोते धोते निकले क्योंकि बहुत लंबे टाइम से हमें घर बसाया था, सडनली उसको छोड़ना पड़ा और थोड़ा सा इमोशनल भी थे। और जैसे सडनली आधे रास्ते पहुँचे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई कई जगह हमें, और क्योंकि रास्ता हम कई जगह भटक गए थे और मेरी एक तबीयत ख़राब हो गई,
मुझे जैसे ही हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़े ना आगरा लखनऊ, तो वहाँ से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होनी चालू हो गई। और जैसे ही लगभग 100 किलोमीटर मैं उसके ऊपर चढ़ा, तो उसके बाद से सर दर्द, उल्टी, ऐसा मौन होने लगा पूरा सा। तो लखनऊ पहुंचने में अभी लगेगा लगभग 1.5 घंटा, 160 किलोमीटर बचा हुआ है। हम लोग अभी जिस एक्सप्रेसवे पे है ना, वो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। तो टोटल अभी आज हमने, ये तीसरा एक्सप्रेसवे है, पहले हम लोग गए थे फेरी फेयर एक्सप्रेसवे, और इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे, और तीसरा था ये वाला लखनऊ आगरा। और ये हादसा ये हो गया कि जब हम लोग फेरी फेयर पे गए ना, वहाँ जहाँ हमें कट लेना था ना, वो कट हम नहीं ले पाए। और मतलब वहाँ से कट लेके आप चढ़ते हैं यमुना, वहाँ चढ़ नहीं पाए, और वो लगभग हम 30 किलोमीटर आगे निकल गए। फिर मतलब ऐसा रास्ता आया ना, मतलब उबर खाबर गांव से निकलते हुए फिर जाके यमुना एक्सप्रेसवे पे हम लोग चढ़े। और यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़े तो वो जैसे यमुना एक्सप्रेसवे है ना, वो 180 किलोमीटर का होता है डिस्टेंस हमें कवर करना, बट जहाँ से हम चढ़े ना, वो 20 किलोमीटर आगे जाके चढ़े। मतलब पता नहीं क्या हो गया था, 2-3 जगह ऐसा सीन हुआ ना कि बार बार मतलब डिस्टेंस, एक तो फोन की गलती, मैप इतना ज्यादा गलती बता रहा ना गूगल मैप, मतलब उसकी वजह से बहुत परेशान हो रहे थे। मेरी तबीयत खराब होने लगी, उल्टी क्योंकि बन गई थी थोड़ी सी गैस, और सर दर्द बहुत तेज हो रहा था। तो गाड़ी लगा कि 1 घंटे में अभी सोया हूँ रास्ते पे, जाके तब जाके मैंने मेडिसिन लिया, तब जाके अभी पूरा एकदम मस्त, मतलब अब सही लग रहा है। तो चलो निकलते हैं अभी लखनऊ, और वहाँ पे लेंगे रूम जहाँ पे ऑलवेज। हे फैमिली, तो हम आ चुके हैं लखनऊ। नहीं नहीं आ रहा है, खाएगा नहीं कुछ हो। हे फैमिली, तो हम लोग रूम से निकल चुके हैं और अभी लखनऊ में ही हैं, और ट्रैफिक में बस फंसे हुए हैं। थोड़ा सा लेट निकले थे हम लोग, तो बस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो अभी बच चुके हैं टाइम 1:59। फिलहाल हम लोग अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे है, और अभी खाना खा रहे हैं। ये देख सकते हैं, और सिवान को देख सकते हैं, ये मस्ती में लगा हुआ है। इसका फ़ोन हमने चला दिया, बट इसको सबको परेशान करना है। और ये देख सकते हैं, ये अभी रोटी चावल। ठीक है, तो घर हम लोग पहुँचेंगे, मतलब यहाँ से अभी 250 किलोमीटर में जाना है, तो लगभग लगभग 6 बज जाएंगे, शाम के 6-7 बज जाएंगे घर पहुँचते पहुँचते। हम लोग निकले थे अपने होटल से लगभग 10 बज गया। हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और फाइनली आज हम घर पहुंचने वाले हैं। गाड़ी हमने पहले स्टार्ट कर दिया है, और एक सीन क्या हो गया ना, ये गाड़ी का देख सकते हैं, इसका ये जो क्या बोलते हैं, लाउ व्हील था, व्हील अलाइनमेंट क्या बोलते हैं उसको, व्हील कवर, वो गिर गया कल निकलते टाइम में। फिलहाल गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि धूप में लगा हुआ था ना, तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। चलो निकलते हैं, घर पहुंचते हैं। लगभग 3-4 घंटे का टाइम और बचा हुआ है, लगभग लगभग 250 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस बचा हुआ है। चलो निकलते हैं। बहुत लोग ये पूछ रहे थे कि आपने घर क्यों वहाँ छोड़ दिया, इसका तो जवाब आपने दिया नहीं, तो उसका भी जवाब देना है। और बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट हैं, बहुत सारी चीज़ आप लोग अभी बोल रहे हो, तो सबको क्लियर करना ज़रूरी है। तो हम आने वाले ब्लॉग में क्लियर कर देंगे। वैसे घर जाएंगे तो घर पे आपके लिए सरप्राइज है, बहुत ही प्यारा वाला, 2-3 सरप्राइज आने वाला है। आने के लिए तैयार नहीं है। क्या लेगा आप? पूजा पूजा सर, क्या हो गया? चलो बैठो बैठो। आइए बोल दो, आइए, बाय बाय बाय, बोलो कि आइए नाना जी। हे फैमिली, तो फाइनली हम लोग और यहाँ से अभी फिर भी 2 घंटे लग जाएंगे ना, आराम से बातें कर रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग एंटर कर चुके थे पटना, अपनी माटी, अपना बिहार। और ये था पटना का पुल, इसे बोलते हैं जेपी सेतु पुल। और सबसे पहले जब पुल था ना पटना जाने के लिए, वो गांधी सेतु था, बट बाद में ये वाला पुल बना। सबसे पहले हम गए मम्मी के पास, मतलब अपने ससुराल, और मम्मी को रास्ते में ही ड्रॉप करना था उनके घर पे, क्योंकि उसके बाद हमारा घर आता है। तो अभी मम्मी को हमने ड्रॉप कर दिया, सारे सामान वगैरह जो है ना निकाल निकाल के रख रहे हैं। और हमें भी घर जाने की इतनी हड़बड़ी थी ना, मतलब क्या बोले, घर आज के इतने पास आ चुके हैं ना,
तो जल्दी से मन कर रहा था कि घर पहुँच जाऊँ, और सुकून तो अपने घर पर जाके ही मिलेगा, और थोड़ा सा मन में दुख भी था उस घर को छोड़ने का, और बट कोई नहीं, रीजन्स हैं, बहुत लोग कमेंट कर रहे थे बहुत सारे, बट हाँ उसका हम प्रॉपर सबका जवाब देंगे कि हमने अभी क्यों छोड़ा है, आने वाले टाइम में हम लोग फिर शिफ्ट कहाँ करेंगे नहीं करेंगे सब कुछ आपको बताएंगे, क्या वजह थी इसकी मेनली सब कुछ। आइसक्रीम, हाँ आइसक्रीम खाता नहीं है लेकिन आइसक्रीम करते रहता है हमेशा, और नानी चली गई इसलिए रो रहा था। दादी अब बनी कहाँ है, बनी अब बनी कहाँ है, बनी 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 है, उतरो उतरो लो। काम क्या है दादी के, काम क्या है, हम भी कुछ नहीं, ये डब्बा काय करे सो ना, हम देख देख हां पापा जी की गोदी से आ ही नहीं रहा था मेरे पास, बोले कि ट्रेन अभी आ लिया जाज, प्रणाम, काम कर लो, काम कर लो, एक काम कर लो सबको, अरे बन्नी के प्रणाम किया, सबके प्रणाम किया, बन्नी के, बन्नी के, बन्नी बन्नी।